हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आई मेड एन आयरन गोलम आर्मी टू फाइट वेदर इन माइनक्राफ्ट। अरे वाह, चलो देखते हैं भाई, हमारे लिए तो न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं माइनक्राफ्ट का ये मजेदार वीडियो। सेना तैयार रहो, क्योंकि बहुत जल्द मैं नेदर जाऊंगा। माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो यार, मैंने एंडर ड्रैगन मारा, एलाइट्रा लेके आया और उसके बाद खेलनी छोड़ दी। एनीवेज, तो काफी लोग मुझे बोलते थे कि यार तुम शेडर्स लगा के खेलो, शेडर्स लगा के खेलो। तो आज मैंने शेडर्स लगाए हैं और मैं तुम्हें शेडर्स में अपना ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो है वो एक बार दिखाना चाहता हूँ। पहले तो देखो मेरा घर, देखो शेडर्स में। वाह, कसम से अंबानी सर का घर लगता है। लाइक डैम, इवन दो ये दो पिलर्स जो है ये हमारे घर की शोभा खराब करते हैं। हटो बे, थोड़ा दूर से दिखाता है। यार भूख भी लग गई इतनी जल्दी, रुको खा ले भाई, खा ले। ओके, तो ये देखिए आप, हमारा वर्ल्ड जो है शेडर्स में कितना उंदा, कितना, यार ये तो दिख ही नहीं रहा, कैसे दिखाऊं मैं। अच्छा आइडिया ना, जिस पिलर को मैंने तोड़ा उसी पे अगर मैं चढ़ जाऊं तो दिखेगा ना बढ़िया से एकदम। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ओ गाइस, लुक एट दिस, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ओह माय गॉड, क्या लग रहा है भाई। घर ऊपर हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लास वाली लाइब्रेरी, यहाँ पे हमारी दो दो लिफ्ट, और फिर ये दो पोल जो पिलर खराब कर रहे हैं हमारे घर की शोभा, और फिर ये हमारा फार्म, लुक एट आवर शुगर केन फार्म, इतना सारा शुगर केन, उसके ऊपर पेड़, और वहां पर हमारी, भाई ये गाय है, इनका नंबर कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। इनकी इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से एक्चुअली मेरी गेम इतनी ज्यादा लैग करती है। ये जो इतनी ज्यादा गाय बकरियों और इतनी ज्यादा ये बत्तख, बत्तख नहीं क्या होती है, ये मुर्गिया, मुर्गिया इतनी ज्यादा है। पिग, पिग जो है इनका नंबर कुछ खास नहीं है, ये ठीक है। एंड एज यू कैन सी दिस वर्ल्ड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल विद द शेडर्स, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू प्ले विद शेडर्स, आई एम सॉरी, शेडर्स को ऑफ करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मुझे पर्सनली शेडर्स ना बहुत, एक वो होता है ना, बहुत ज्यादा मेकअप कर लो तो नेचुरल ब्यूटी चली जाती है, या वैसे वाली बात हो जाती है। एंड अब ये जो पोल मैंने बनाया है, डेफिनेटली सिंस आई एम यू नो वेरी गुड एट द बकेट ट्रिक, तो आई एम गोइंग टू डू द बकेट ट्रिक इन 3, 2, 1। एंड आई एम वेरी गुड एट इट, आई एम वेरी प्रो एट इट, आई एम द बेस्ट एट द बकेट ट्रिक। सबसे पहले तो यार ये बहुत ज्यादा लैग होने लग गया है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू फिक्स इज, गाइस मुझे वो नहीं करना बट मैं क्या करूं, बहुत लैग होता है साहिब, बहुत लैग होता है। तो मेरे पास एक ट्रिक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मैं पक्का प्लॉमिच करता हूँ, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मैं छिलव नीचे जमीन पे आग लगाऊंगा। मैं ही जल रहा हूँ, अबे मैं जल रहा हूँ, अबे क्या हो रहा है, सॉरी गाय, सॉरी बकरियों, यही इंसानियत का उसूल है, हम पहले तुमको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और फिर तुम्ही को मार के खा जाते हैं। आई मीन मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता, लेकिन I am sorry. अरे नहीं, अरे मेरा फेंस जल गया, अरे फेंस जल गया तो बाहर देंगे यहाँ से। अरे चमाला, अरे ये क्या किया, अरे सारी बाहर निकल रही है, अरे अरे वापस जाओ, अरे ये तो इसके ऊपर से चढ़ के निकल रही है, अरे क्या करूँ मैं, अरे तू वहां पे जा, अंदर जा, अरे और दो पत्थर दो, क्या कर दिया ये मैंने अपने फेंस का, हट जाओ। ओ नो नो, अबे तो मेरे पास पत्थर भी खत्म हो गए, बस बस और तो कहीं से नहीं टूटा ना, मेरा पूरा का पूरा फार्म खत्म हो गया, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या किया मैंने। गाय, सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी नेदरराइट वाली स्वॉर्ड, तुम लोगों ने शायद ध्यान में नहीं दिया होगा, जिस दिन एंडर ड्रैगन मारा वहां पे मैं जोश जोश में अपनी नेदरराइट वाली स्वॉर्ड फेंकाया, मतलब इतना बेवकूफ कौन होता है, नेदरराइट वाली स्वॉर्ड कौन फेंकता है। एनीवेज मुर्गियों, इट्स टाइम फॉर योर पॉपुलेशन कंट्रोल, और अब मैं आज से, गाइस मैंने वेजिटेरियन डाइट पे एंडर ड्रैगन मार दिया था, लेकिन आज से मैं नॉन वेजिटेरियन हो गया, आई एम सॉरी बट यही गेम का दस्तूर है। इतनी मुर्गियां, इतनी गाय, इतनी बकरियां जो मैंने पाली हैं, किस लिए पाली है भाई, इसीलिए पाली है था कि एक दिन इनको मार के खा सकूं। अभी सोने का वक्त हो गया है। हाँ, सो देखिए अभी जो है हमारे को बहुत सारा काम करना है इस वर्ल्ड पे, हमें एक पहले एंडरमैन फार्म बनाना है, एंडर ड्रैगन नहीं, एंडरमैन फार्म बनाना है, उसके बाद हमें क्रीपर फार्म बनाना है, उसके बाद हमें आयरन गोलम्स की आर्मी बनानी है, उसके बाद हमें विदर को मारना है, उसके बाद हमें यार बहुत काम करना है, बेसिकली नेदरराइट वाला पूरा अपना सेट करना है, उसके बाद हमें मेंडिंग वाली चीजें लेके आनी है भाई, मेंडिंग वाला सामान लेके आना है। शलकर चेस्ट कैसे बनता है, शल
कर, ये बनेगा एक चेस्ट और दो उससे, बस इजी। चलो ये बनाया एक बॉक्स और ये बन गया, इसको यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, ये बन गया शल्कर बॉक्स। ये शल्कर बॉक्स होता क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन बन गया है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। लेट्स सी, अगर मैं इसमें सपोज ये तीन चार सामान डाल दिया, ठीक है, अब अगर मैं इसको तोड़ेगा, ओ सो शल्कर बॉक्स बेसिकली मीन्स कैरियेबल, लाइक कैरी कर पाने वाला चेस्ट है। जी जी भाई, शल्कर बॉक्स के अंदर ओनली फूड। तो आज का मेरा प्लान ये है कि मैं जो है एक आयरन गोलम्स की आर्मी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरा टारगेट ये होगा कि मेरे को बहुत सारा आयरन लेकर आना है, एंड मेरे पास लेट्स चेक कितना आयरन ऑलरेडी है, 10 ये रहा, 64 ये रहा, बस सिर्फ 74 आयरन है, इससे तो क्या ही बनेगा। ऑलराइट, तो अब है टाइम वो करने का जो इस गेम का नाम है, माइनिंग। लेट्स गो। और यहाँ पर हमने एक बहुत ही क्लासिक सुरंग जो है ऑलरेडी बना रखी है, आई मीन ये सुरंग नहीं है, ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ी में आई नो नीचे बहुत सारा सामान है, तो चलिए माइन करने चले। और भाई पहलवान क्यों, क्या भाई क्या क्या भाई क्या दिक्कत क्या है, अभी तो मैं निकला घर से, तू आ गया पहले। तो आई थिंक इस जगह पे मैं ऑलरेडी कई बार माइन कर चुका हूँ, मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, एक सेकंड, मेरे को माइन करने के लिए यहाँ आने की जरूरत क्या है, लाइक आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर, मैंने अपने घर के नीचे इतनी बड़ी पूरी गुफा बना रखी है माइनिंग करने के लिए। तो चलिए हम उस गुफा में चलते हैं जो हमने कई साल पहले लाइव स्ट्रीम में बहुत मेहनत करके खोदी थी, और अब जो कि हम नॉन वेज खा ही सकते हैं, तो रॉटन फ्लैश खाने में भी क्या ही रहता है, खाओ भाई। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। और अब वक्त है, लेट्स गो, एक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ओके, ये डायरेक्शन में मैंने कभी डिगिंग नहीं करी, ये पीछे की तरफ, और हम करेंगे बहुत ही क्लासिक प्यारी वाली माइनिंग। अच्छा बाय द वे, मेरे को अभी याद आया, मेरी पिकैक्स तो मैं एक ही लेके आया हूँ नीचे, यार मैं कैसे काम करता हूँ यार। okay. अरे 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 जग्गू दादा, डायमंड, अरे वाह यार, अरे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे डायमंड, मजा आ गया। अरे 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 तो काफी सारे डायमंड है, लाइक नॉट इवन 2-3-4 डायमंड, दीज आर लोट ऑफ डायमंड्स। अच्छा चलिए उठा के देखते हैं ये कितना डायमंड है, अभी हमारे पास है 0 डायमंड, 1, 2, 3, 4, 5, 8 and 10 आई थिंक 15 15 डायमंड, मजा आ गया भैया 15, इतनी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ भाई, माइन शाफ्ट भाई, रेल ट्रैक्स भाई, बिगेस्ट रेल जो मेरे को बनानी है अपनी, यहाँ से लेके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड तक जो बनाने का मेरा सपना था, जो मैंने बहुत साल पहले देखा था, वो पूरा करने के लिए मेरे को बहुत सारे रेल ट्रैक्स लगेंगे, तो आई विल टेक ऑल द रेल ट्रैक्स। और वो भाई दो दो चेस्ट, अगर अब इस चेस्ट में हीरे अशरफियां जवाहरात नहीं है तो फिर डिटेक्टर रेल, ओके एक्टिवेटर रेल, ओके गोल्ड, ओके और आयरन को कौन मना करता है, बाकी नेम टैग, ओके ओके एंड इसमें प्लीज अशरफियां हीरे जवाहरात डायमंड डेप्थ स्ट्राइडर 2 रख लेता हूँ, मुझे पता नहीं, टॉर्चेस चलो ये तो काम आ जाएंगी। देखिए आयरन की मेरे को जरूरत इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि जो मेरे को रेल बनानी है, तो आयरन की मेरे को बहुत जरूरत है, इसलिए आज हम आयरन माइनिंग करने आए हैं यहाँ पे। अबे यहाँ पक्का स्पॉनर है भाई, ये इतने सारे कैसे हैं, भाई करते रहना तुम पूरी जिंदगी, यहाँ पे कहीं आयरन है। जय श्री राम। यार ये वाली मकड़ी एक्चुअली थोड़ी सी स्केरी है। ओ स्पॉनर, लोग स्पॉनर को देख के दुखी होते हैं, मैं खुश हो रहा हूँ। आओ 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 बच्चो, आजा 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 आजा, जब बेइज्जती, ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल गया, इसका मतलब समझ रहे हो। अरे व्हाट, मकड़ियों का स्पॉनर, भाई ये तो बल्ले हो गए, अब तो मैं डबल वो बना सकता हूँ, लाइक मकड़ी और ज़ॉम्बियों का एक स्पॉनर, समझ रहे हो, मतलब ये दोनों आ रहे होंगे वहाँ पे और मैं इनको मार के क्या मस्त मस्त लेवल ही लेवल, और ये तो हरी वाली मकड़ी है, ये तो लेवल भी ज्यादा देती है। नो वे, ओह ओह, ये चैनलिंग, चैनलिंग क्या होता है भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ आज तो बेस्ट डे है भाई। सो इसकी लोकेशन है 1481-35-657 एंड इससे लिटरली ऐसा आधे कदम की दूरी पे ये स्पाइडर स्पॉनर है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्पाइडर स्पॉनर और एक ज़ॉम्बी स्पॉनर इकट्ठे, लाइक इन दोनों के लिए एक फार्म बनाएंगे, लाइक दोनों बह के पानी में एक जगह पे आएंगी और फिर दोनों को ही पीटूंगा मैं। एक्सपी एक्सपी होगी बापू भैया। और अगर आप लोग वो वीडियो देखने चाहते हैं तो आपको पता है उसके लिए क्या करना है, इसको लाइक करना है, इस पे एम देखो, क्योंकि इस उसमें बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, डबल स्पॉनर है, तो एटलीस्ट इस वीडियो पे लाइक 500k likes ऑन दिस प्लीज एंड आई विल मेक अ डबल स्पॉनर भाई। ओ नो वे, एक और स्पॉनर नहीं, नो सही में एक और स्पॉनर,
स्पॉनर गया भाई, कितने स्पॉनर मिल गए मेरे को, कितने चेस्टी चेस्ट है डिटेक्टर रे, जो कि मैं जरूर रखूंगा। गोल्डन एप्पल, लेकिन गोल्डन एप्पल तुम खुद भी बना सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। एंड इस वाले चेस्ट में है डायमंड, बल्ले बल्ले, पावर ड्रिल, टॉर्चेस, आयरन। थैंक यू फॉर द आयरन, दैट इज व्हाट आई नीड। बनाई अच्छी है। व्हाट इज द डायमंड? ओह माय गॉड, एक और स्पॉनर यार, आर यू किडिंग मी, एक और स्पॉनर। अरे मैं तो घर के काफी क्लोज निकला भाई, ये तो घर के बगल में पहुंच गया मैं। अच्छा मुझे पता है, एक और चीज पता चली है, जो मैंने स्केलेटन फार्म बनाया था उसपे जितनी देर मैं उसके पास रहूंगा उतने ज्यादा स्केलेटन स्पॉन होंगे। ओके एनीवेज, तो जब तक ये होता है आइए गाइस हम अपने स्केलेटन वाले फार्म में चलते हैं और वहां पे AFK खड़े होते हैं एंड देखते हैं कि कितने स्केलेटन जो हैं वहां पे बनते हैं, उनसे थोड़ा सा XP कमाएंगे। हेलो स्केली बाबूज। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आई थिंक इतने में हमारा जो आयरन है वो भी शायद अभी पक गया होगा, तो चलिए लेट्स गो ऊपर। आयरन ब्लॉक टोटल बनेंगे 12 और इन टोटल 57 आयरन ब्लॉक्स। ओके अब हमको चाहिए है पंपकिन, व्हिच इज हियर। 1 2 3 देखो अब हमें क्या करना है, हमको एक जगह चूज करनी है जहाँ पे हम अपने आयरन गोलम्स की आर्मी बनाना चाहते हैं। मतलब मैं नहीं चाहता कि आयरन गोलम्स की आर्मी ऐसा खुले में घूमती रहे, ठीक है? तो मैं एक काम करेगा अपूल, अंडरग्राउंड बनाते हैं आयरन गोलम्स की आर्मी सबसे नीचे। अगर मेरे को अल्टीमेटली आयरन गोलम वाली आर्मी को विदर से लड़वाना है तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ऊपर नीचे जो है वहाँ पे ये होना चाहिए ऑब्सीडियन, क्योंकि विदर सब कुछ तोड़ सकता है सिवाय ऑब्सीडियन के। तो ये दिस कुड बी अ गुड प्लेस आई थिंक। One hour later. और यहाँ पे क्या करेंगे, छत जो है ऑब्सीडियन की बना लेंगे ताकि अगर विदर जो है वो बाय चांस क्या कहते हैं आयरन गोलम से लड़ता भी है तो उस जगह को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब पूरी जगह ऑब्सीडियन से बनी होगी तो ऑब्सीडियन तो वो तोड़ नहीं पाएगा। I like it. And now, are you ready? Bob the Builder. करके दिखाएंगे. Bob the Builder. हाँ भाई हाँ. हिंदी में था। सेना तैयार रहो, क्योंकि बहुत जल्द मैं नेदर जाऊंगा और वहां से उन काले विदर स्केलेटन्स को मार के उनके स्कल लाऊंगा और उससे हम बनाएंगे विदर स्केलेटन। और विदर स्केलेटन को तुम सबको एक एक को मारना होगा अपनी खुद की शक्ति से, अपनी खुद की मेहनत से। तुम सब मेरी सेना, क्या तैयार हो? नहीं। शमायला इतना डिसरिस्पेक्ट। एक बार फिर से, क्या तुम मेरी सेना बाहुबली की सेना तैयार हो? खा लो थोड़ा सा तो भै जोश ही दिखा लो। शमायला बेइज्जती करा दी। एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंटरेस्टिंग है माइनक्राफ्ट, तो मैंने ऋषि को भी खेलते हुए देखा हुआ है, पर मैं उसको भी यही बोलती थी क्या तोड़ता रहता है सर, जब आती हो तो तोड़ ही रहा होता है, तो कुछ कर तो रहनी है। तो कहता था, वो एक्सप्लेन करता था, तो मैं कहती थी हर चीज तो एक जैसी लग रही है, सिर्फ रंग ही चेंज हुए हैं। पर अब थोड़ा थोड़ा, काश उस टाइम थोड़ा अटेंशन पे किया होता तो मैं भी खेल के एक्सपर्ट हो गई होती। पर अब जब देखते हैं तो लगता है कि यार वाकई में इंटरेस्टिंग गेम है, इतना कुछ बना सकते हो, मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। कहीं पे तुम्हें पिग बनाने को मिल रहे हैं, कहीं पे तुमको ये बनाने को मिल रहा है, पता नहीं। और इतने अजीब अजीब वर्ड्स भी इन्होंने यूज किए, क्या विदर विदर कुछ समथिंग और ये सब। तो सबसे पहले जो सीन उन्होंने दिखाया ना, जो पूरा एरिया उन्होंने बनाया था, बड़ा ही ब्यूटीफुल था। तो वो देख के तो मेरे को लगा यार मजा ही आ गया। और जब अपना घर बनाया हुआ था जिसमें शीशे की लाइब्रेरी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लोगों को पकड़ के वहां पे इम्प्लॉय करेंगे, काम देंगे भाई अपने लाइब्रेरी के अंदर, मैंने कहा वाह, ऐसी होनी चाहिए ना लाइफ कि जो मन में आए बनाओ और उसके राजा हो, चाहे गेम में ही करें। पर अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। पर उसमें कई एक चीजें मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने वीडियो में पूछी है, तो आप जरा बता देना वो सब क्या है। और ऋषि से भी पूछूंगी, अब वो जब कभी खेलेगा तो थोड़ा इंटरेस्ट शो करने जरूरी है, ताकि पता चले कि कैसे गेम खेली जाती है। पर मजा आ रहा था देखने में। राइट, सो अच्छा वीडियो था, माइनक्राफ्ट का अच्छा डेमो था, जिन लोगों ने ज्यादा खेली नहीं है, हम लोगों ने जैसे
और माइनक्राफ्ट में इतना कॉन्सेप्ट तो पता था कि माइनिंग कर रहे हैं और आपके पास मटेरियल इकट्ठे हो रहे हैं, आपको यूज कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा था और अच्छा कॉन्सेप्ट है एक क्रिएटिविटी के लिए. अगर आपको वाकई अपनी क्रिएटिविटी करनी है तो बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डेफिनेटली बनाई हैं माइनक्राफ्ट में. जैसे इन्होंने अपना एक विलेज बना रखा है, उसमें कैटल दिखा दी, घर दिखा दिया. वैसे लोगों ने बहुत कुछ बनाया था, ऋषि ने भी बनाई थी चीज़ें, विंड मिल आ रही है, सोलर फार्म है, और कोई मशीनरी है. उसके बाद यहाँ पे जो है स्कूल में भी कोई असाइनमेंट्स मिले थे कि ये बनाओ वो बनाओ, तो बहुत कुछ बच्चों ने बनाया था. एंड इट्स वेरी नाइस टू सी इंटरैक्टिव गेम है कि और बच्चे भी आ रहे हैं, आपस में मिलके चीज़ें बन रही हैं, तो उन्होंने वही दिखाया था, बहुत अच्छा लगा. जैसे कह रहे थे कि पिलर तोड़ लो, फिर ऊपर से देखना तो पिलर बना के ऊपर चले जाओ, माइनिंग कर रहे हैं अंदर से, आयरन गोलम बन रहे हैं, उसकी फाइट कराएंगे, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है. आप जैसे कह रहे थे डिफरेंट डिफरेंट मैं लेके आऊंगा विलेजर्स को, उनको काम पे लगा दूंगा, तो मतलब जो भी फैसिलिटी, इज वेरी नाइस कि आप जो है प्ले आउट कर सकते हैं सिनेरियो. अगर सोचा जाए तो दैट मे बी सिमिलर टू जो भगवान करता है, भगवान लोगों को क्रिएट करता है, यहाँ पे चीज़ें चलती हैं. ऑफ कोर्स हर बंदे में हमें कॉन्शियसनेस है कि हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ये इतना पावरफुल नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ क्रिएटर है जो कर रहा है और डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है. तो फ्रेंड्स चलते हैं, होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ ये वीडियो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.